हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवास वर्ल्ड। मेरा नाम मनाली है और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे जिसका नाम है डिवास वर्ल्ड। अब चलो आज का टॉपिक ना मैं आपको पहले बता देती हूँ, अब सरप्राइज वरप्राइज नहीं रखना है क्योंकि अब तक ना सुबह तक मेरी मम्मी ने मेरा बर्थडे प्लान करके सरप्राइज रखा हुआ था, तो अब सरप्राइज तो मैंने फ्लॉप कर दिया है। तो अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं अपने बर्थडे के दिन का मैं व्लॉग शूट करूँ जितना भी हो जाए। वैसे भी अभी जो भी है वो अभी पार्टी के टाइम पे ही होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मेरे को अभी रेडी होना है क्योंकि 5 बजे सारे गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी तक 4 बजे तक तो मैं यहाँ पे सो रही थी इसलिए अब मेरे को अभी रेडी होना है, तो मैं रेडी होके फिर से व्लॉग में आ जाऊँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई एम बैक। मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे बर्थडे के लिए। अब मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है आपको। तो मैंने ये पहना है डेनिम का जैकेट और इसके नीचे पहना है जंप सूट, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको अगर बाय करना हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं, तो आप बाय भी कर सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है, और ये जो जंप सूट है आपको इसको 3 तरीके से पहन सकते हो। एक ऐसे ही बिना डेनिम के पहन सकते हो नॉर्मल, जैसे हम लोग जंप सूट पहनते हैं वैसे। अगर ये तो देखो अभी यहाँ से ना थोड़ा स्लीव लेस है, तो अगर आपको डेनिम का जैकेट पहनना हो तो आप डेनिम का जैकेट भी पहन सकते हो। और अभी दूसरा भी है, तो थर्ड तरीका है इसको किसी भी श्रग के साथ ऐसे पहन लो, तो ये तीसरा तरीका होगा। तो एक ही ड्रेस आप लोग 3 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। ठीक है, तो अब मैं वही डेनिम वाले अपने लुक में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी आज डेनिम ही पहनना है। गर्मी होगी तो मैं चेंज कर लूँगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे और दूल्हा रोजी को भी रेडी करना है अपने बर्थडे के लिए, तो हम जाएंगे नीचे और देखते हैं क्या कर रहे हैं, उठे हैं कि नहीं उठे। अभी वैसे भी 4:45 बजने को आए हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं नीचे। तो ये देख लो, ये हमारा दूल्हा यहाँ पे सो रहा है फैल के भी पूरे सोफे में। ये अभी पूरी नींद में है इसलिए कुछ बोलने वाला है नहीं तो इसका रिएक्शन बहुत ही गजब होता है। फिर देखेंगे हम रोजी को दूसरे सोफे पे, ये थोड़ी जागी हुई है, देख के सो गई वापस से। इन लोगों के ऊपर वीडियो आएंगी, पर अभी तो सब्र रखो, दिखाएंगे। कि आपने देखा कि दूल्हा रोजी को मैंने रेडी कर लिया है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो बहुत शैतान है इसलिए मेरे को देर लग गई उनको रेडी करने में। अब चलो, अब मेरा एक कज़िन आ गया है, अब उसके साथ मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद फिर से आऊँगी और जो रील्स मैं अभी शूट करूँगी वो बाद में मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूँगी और यहाँ पे भी दिखा दूँगी कि कैसी है रील्स। ठीक है, तो चलो फिर से मिलते हैं। No, I don't believe in soulmates, but तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे गेस्ट आ गए और अभी मैंने 3-4 रील्स बनाए हैं मेरे जो छोटा भैया है उसके साथ अभी, और बाद में मैंने थोड़ी फोटो सेशंस ले ली। मेरा दूसरा कजिन भी आया हुआ था उसके साथ, तो अब जो भी मिले उसके साथ फ़ोटोज़ ही निकाल रही हूँ। अब मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी तो फिर मैं अपने ये तीसरे वाली ट्रिक पे आ गई। तो चलो चलते हैं, अब क्या होगा आगे तो पता नहीं। नीचे तो अभी खाना पक रहा है रात के लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, कितने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं सब, इसलिए तो अभी तो वो लोग सब नीचे हैं इसलिए शोर शराबा इतना सारा है कि आप बात ही रहने दो। अब चलो मैं व्लॉग को थोड़ी देर साइड में रखती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या हो रहा है नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो अब मैं नीचे जाके आती हूँ, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं जाके आती हूँ और या फिर गेस्ट के साथ बैठती हूँ उनके साथ बातें करती हूँ। ठीक है,
को एक काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल रही थी तो मेरे सारे जो बच्चे हैं गली के वो लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। तो हाय बोलो सब लोग, हाय हाय। लोगों को पता चला है कि मेरा आज बर्थडे है तो ये लोग मेरे को बहुत सारे चिपक के से बोल रहे थे कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो अब इनका फिर से शुरू हो गया। तो अब उन लोगों ने बोला है कि अब हम लोग सब लोग जोर से बोलना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू। अब चलो हम चलते हैं फिर से। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, इतना थका दिया उन लोगों ने बातें कर करके। अब नीचे गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं जाके वहाँ पे केक कट करूँ, और क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है 8 बजे के बाद तो उन लोगों को जल्दी जाना है, तो केक कट कर लें जल्दी से और बाद में वो लोग खाना खाने के बाद वो लोग जल्दी से जा सके। तो चलो जाते हैं। पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, और जिन्होंने मेरे को बर्थडे विशेस दिए उसको आप प्लीज़ मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत 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 सारा थैंक यू, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो क्योंकि मैं और नई नई वीडियोस लेके आऊँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम रील्स पे भी, ठीक है? और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप मेरा डिस्क्रिप्शन हर बार देखना भूलना मत, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कई कई बार बहुत सारी लिंक्स डालती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में कुछ बातें अगर मैं भूल चुकी हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती हूँ इसलिए, ठीक है? आज के जो मैंने रील्स शूट किए हुए हैं और फोटोज़ जो भी क्लिक किए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में कहीं पर भी ऐड कर लूँगी, तो आप प्लीज़ वो सारे वीडियोस देख लेना और ये वीडियो आज का पूरा एंड तक देखना, ओके? ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की व्लॉग वाली वीडियो मेरे बर्थडे के ऊपर। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, नए सब्सक्राइबर्स हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब मैं देखूँगी ये वाले वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूं कि नहीं रखूं, ठीक है? तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है? टिल देन वेट आओ जो, बाय बाय, टाटा, और स्टे ट्यून एट डिवाज वर्ल्ड। चलो बाय।